कुछ नई गति देते थे। फ्लिपकार्ट के दो नए वेयर हाउस के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में इस समारोह में उपस्थित प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम खादी और ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सिद्धांत जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव और अवस्थापना में औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी, चीफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफिसर फ्लिपकार्ट ग्रुप श्री रजनीश कुमार जी, तुषार मुखर्जी जी और फ्लिपकार्ट ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित वर्चुअली अलग अलग स्थानों पर वाराणसी और उन्नाव से भी जुड़े हुए हमारे सभी फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए या वहां स्थानीय स्तर पर इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा आज प्रदेश में अपने दो अत्याधुनिक वेयरहाउस एक उन्नाव जनपद में और दूसरा वाराणसी में आज यहां पर इनका लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए मैं ग्रुप को और स्थानीय उन सभी स्टेक होल्डर्स को जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश में एमएसएमई का एक देश विगत सैकड़ों वर्षों से, लेकिन समय के अनुरूप तकनीक डिजाइन पैकेजिंग और समाज की और मार्केट की मैपिंग के बगैर कोई भी ठोस कार्य योजना न बनाए जाने के कारण यह विगत 3-4 दशकों से दम तोड़ रहा था। इसका कोई पुरसा हल नहीं था। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अपने एमएसएमई का मैपिंग करना शुरू किया था और उसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करना प्रारंभ किया। मैंने उस समय विभाग के अधिकारियों से कहा था कि हमें अपनी परंपरागत उत्पाद के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देना होगा जो आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और तब एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हमने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता हुई कि प्रारंभ में हमने डिजाइन के साथ जोड़ा, ट्रेनिंग के साथ जोड़ा, मार्केट के साथ भी जोड़ा, इसके बाद फिर इसमें पैकेजिंग आदि भी जुड़ा, एक्सपोर्ट के साथ ही जुड़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन इसको और गति देने में हमें मदद मिली जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जब अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में लोकप्रिय होती भी दिखाई। स्वाभाविक रूप से एक नए युग की का सूत्रपात हुआ है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। हर नागरिक को शहर में हो या गांव में अपने प्रोडक्ट को वह दुनिया के किसी भी मार्केट तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है।
जो पहले कठिन था, असंभव भी था, लेकिन आज उस असंभव को कठिनाई में और कठिनाई को फिर संभव में बनाते हुए आज तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा दो अत्याधुनिक वेयर हाउस, एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कमिश्नरी से जुड़े हुए जनपद में उन्नाव में और दूसरा प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी, देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में स्थापित किया गया है। हम देख सकते हैं कितने जॉब नए क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा, स्वाभाविक रूप से अगर आपके पास वेयर हाउस है तो आप अपनी प्रोडक्ट को एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सभी ग्राहक के साथ न्याय करने की स्थिति में होते हैं। कालाबाजारी नहीं हो सकती, क्योंकि कालाबाजारी तब होती है, किसी चीज का दाम महंगा तब होता है जब एक व्यक्ति की मोनोपोली होती है। और मार्केट में भी है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दे रहे हैं, जो सस्ता देगा पब्लिक उसको ऑर्डर देगी, उसको अपने घर में मंगवा देगी, तो कहीं भी कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से चीटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ साथ तमाम नए रोजगार भी इसके माध्यम से सृजित हो रहे हैं। इस नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हमें तैयार करना अपने आप को। दूसरा, एक जगह बैठे बैठे हम लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने प्रोडक्ट को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, दुनिया के अंदर पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। प्रदेश की नीतियों का और प्रदेश के साथ हुए एमओयू के माध्यम से आज फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश के हमारे उद्यमियों को, खासतौर पर अभी आपने देखा होगा कि हमने यहां के तीन ऐसे महिला ग्रुप के साथ में जिन्होंने मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने स्तर पर, अपने दम पर, अपने बल पर इस प्रयास को आगे बढ़ाया है, उनके साथ भी संवाद किया। और संवाद के क्रम में आपने देखा है लखनऊ में सुश्री राधिका राय ने यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के माध्यम से विमेन चिकन कुर्ता और चिकन साड़ी को किस रूप में इन्होंने एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक महिला को इनकम बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में योगदान किया है, एक बड़ा अभिनंदनीय कार्य इनके स्तर पर। सुश्री अंजलि सिंह जी ने जूट आर्टिजन को कैसे यहां पे लोकप्रिय बनाया और आज न केवल लखनऊ या प्रदेश में बल्कि देश के अंदर उनकी महिला हेल्प ग्रुप के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या आप उनके उत्पादों के माध्यम से हम देख सकते हैं। और ऐसे ही सुश्री शिवानी वर्मा ने जो हैंडमेड ज्वेलरी और होम डेकोर को लेकर के जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट बनाना पहले भी आता रहा होगा लेकिन उनको मार्केट कहां है, बाजार कौन उपलब्ध करवाएगा, कौन उनके प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में या प्रदेश के अंदर या देश के अंदर या दुनिया के मार्केट में पहुंचाएगा, वह कठिन था, आज यह संभव हो पाया है। मैं फ्लिपकार्ट ग्रुप को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो ये कार्यक्रम यहां पर इस एमओयू के माध्यम से, एमएसएमई विभाग के साथ जो एमओयू उनका हुआ, उन्होंने इसके माध्यम से इसको एमएसएमई प्रोडक्ट को एक नया मार्केट उपलब्ध कराने के सामने अपना योगदान देना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट देने वाला राज्य है, लगभग 90 से लेकर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर मौजूद है, इतनी बड़ी संख्या में है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने प्रत्येक एमएसएमई यूनिट को से जुड़े हुए उद्यमी को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया।
इतनी बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोग नए एमएसएमई यूनिट को भी आगे बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से 10 लाख नए ऐसे उद्यम स्थापित करने की दिशा में जब सरकार कार्य आगे बढ़ा रही है, तो फ्लिपकार्ट एक विश्वास के रूप में उनके प्रोडक्ट को दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने में योगदान देने के लिए तैयार है। यह आश्वासन आपके माध्यम से, इस वेयर हाउस के माध्यम से आज यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम नए रोजगार का सृजन करने में भी सफल होंगे, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के मन में एक नया विश्वास पैदा करने में सफल होंगे, उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को जो एमएसएमई के माध्यम से मौजूद है उसको एक मार्केट देने के लिए प्रतिबद्ध, जो हमारा उद्यमी इस बात को लेकर चिंतित होता था कि मैं प्रोडक्शन तो करूंगा लेकिन ये जाएगा कहां, आज आपने इस बात को साबित किया कि नहीं, हम इसमें योगदान देंगे और जो हमारे साथ आपके समझौते हुए थे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपका समझौता हुआ था उसके अनुसार आप इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यमी और इनसे जुड़े हुए अन्य स्टेक होल्डर इसका लाभ देंगे आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति, और उत्तर प्रदेश के अंदर वेयर हाउसिंग स्कीम का लाभ लेते हुए आपने दो नए वेयर हाउस बनाए हैं। मैं इसके लिए जो संभावना यूपी के अंदर है वेयर हाउसिंग की, लॉजिस्टिक की, इन सभी के क्षेत्र में आप इस नीति का लाभ लेते हुए आगे बढ़ेंगे और नए रोजगार के सृजन करने के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को और गति प्रदान करने में इतना योगदान देंगे। आप इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। सशक्त बनाता है और उन्हें पूरे भारत के साथ जोड़ता है, समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी योगदान कर रहा है। प्रौद्योगिका द्वारा संचालित सप्लाई चेन के माध्यम से यह फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर सुनिश्चित करे।